देखते हैं जी टीवी न्यूज। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन कराया गया था। पूरे प्रदेश में 29 अप्रैल को त्रिस्तरीय चुनाव होने के बाद 2 मई को चुनाव के परिणामों की घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में मतदान से पहले ही 6 ग्राम पंचायतों के प्रधान प्रत्याशी कोरोना महामारी के चलते मौत के गाल में समा गए, जिसकी वजह से बुलंदशहर में आज 9 मई को 6 ग्राम पंचायतों पर पंचायत चुनाव का आयोजन कराया गया है। 11 अप्रैल को 6 ग्राम पंचायतों के परिणामों की मतगणना कर घोषणा की जाएगी। पेश बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। सुनील कुमार वाल्मीकि। सुनील कुमार जी, जो वहाँ पर अभी क्या क्या चुनाव चल रहा है, कुछ उपलक्ष्य में चल रहा है और ये चुनाव तो 29 तारीख को होना था, आज ये 9 तारीख में क्यों कहते? एक हमारे प्रत्याशी थे श्री भंवर सिंह जी, वो एक्सपायर होने के खातिर किसी बीमारी के से एक्सपायर हो गए, इसलिए चुनाव रद्द किया गया था जी। तो आज 29 की जगह 9 मई को चुनाव रखा था, उस उपलक्ष्य में 9 मई को हो रहा था यहाँ पे चुनाव। अच्छा, शांतिपूर्वक चला है चुनाव यहाँ पर? कोई नहीं, यहाँ तो शांतिपूर्वक है ही नहीं, शांति तो पूरी भंग है यहाँ पे। यहाँ तो लोगों की मीटिंगे चल रही है, लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं, प्रत्याशी लोग पैसे बांट रहे हैं लोगों को, और मेरे पे वीडियो भी है। ये समस्या आपने किसी अधिकारी को बताई थी? मैंने बताई है। किसको बताया? मैंने जो थाना अध्यक्ष है उनको बताई है मैंने, और उन्होंने बोला अभी यहाँ पर दौरे पे, अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले मैं इधर कवरेज कर रहा था, जहाँ पर SDM CEO साहब और सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह जो भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, क्या किसी को भी आपने अवगत कराया? नहीं, उस समय मैं उधर नहीं था जी। तो एस साहब ने क्या कहा आपसे भी? हाँ, बोलते हैं, उनको मैंने वीडियो भी भेज दी अपनी, बोलते हैं देखते हैं हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार वाल्मीकि। तो यहाँ से प्रत्याशी हैं रामपुर से? जी, यहाँ से मैं प्रत्याशी। किस किस गांव का चुनाव है ये? रामपुर सिलियारी का चुनाव है। डिस्ट्रिक्ट? जिला कौन सा? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर।